भगवान नारायण श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड के 39वें अध्याय में नारद जी को माता लक्ष्मी का एक स्तोत्र बताते हैं। नारद जी को इस स्तोत्र के बारे में बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, यह स्तोत्र महापुण्यप्रद है। जो इसे तीनों संध्या काल में पढ़ेगा वह कुबेर के समान महान राजराजेश्वर हो जाएगा। यह सिद्ध स्तोत्र पाठक कर्ता हेतु कल्प वृक्षवत है। इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ एक मास तक संयत मन से करने वाला महासुखी तथा राजेंद्र हो जाता है। यह निःसंशय है। तो आइए हम सभी इस महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री महालक्ष्मी स्तोत्रम् इंद्र उवाच। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्ण प्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः सर्वसंपत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायै च हर्षदात्र्यै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः सम्पत्यधिष्ठात्रिदेव्यै महादेव्यै नमो नमः सस्याधिष्ठात्रिदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर् लक्ष्मी क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गृहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी अदितिर्देवमाता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवन्मृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया विना सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणि यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस् त्वया युक्तः स बान्धवः धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणि स्तनन्धयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यथा
तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः व्यक्तस्तनु मातृहीनः स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनि वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरि कीर्ति देहि धनं देहि पुत्रान् मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान् देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितं सर्वाधिकारमिवं वै प्रभावं च प्रतापकं जयं पराक्रमं युद्धं परमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः शूरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुरार्थे च पुनः पुनः देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मी सन्तुष्टासुरसंसदि ययुर्देवाश्च सन्तुष्टः स्वं स्वं स्थानं च नारद देवी ययौ हरे क्रीडं हृष्टा क्षीरोदशायिनः ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपे नैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धं स्तोत्रं यदि पठेन् माशमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः श्रीब्रह्म वैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः नारायण नारदसंवादे श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्रम्। जन्म कुंडली बनवाने और विश्लेषण, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, शांति पाठ आदि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करवाने और ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 8445108265।